बेटा तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा। अभी रात का खाना खाना है तुमने और फिर मेडिसिन भी खानी है। आंटी देख लो तुम्हारे सामने मेरा हंसता बोलता बच्चा कैसा खामोश हो गया। मेरा दिल खट रहा है अपने बच्चे को देख के। आंटी आप परेशान मत हो, देखिएगा नौफिल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। तुम यहाँ बैठ जाओ इसके पास, तुम इसके बचपन की दोस्त हो ना, बैठ जाओ, मैं इसके लिए खाना लेके आती हूँ। बैठो यहाँ, यहाँ बैठो, बैठो। नौफिल ठीक हूँ। आप लोग बिला वजह ही परेशान हो रहे हैं। बेटा मां हूं ना इसलिए परेशान तो होंगी। देखो हर इंसान में सलाहियतें होती हैं, कुछ उसकी खूबियां होती हैं, सिर्फ उसको अपने अंदर वो ढूंढनी होती हैं। अब मैं जानती हूँ मेरा बेटा बहुत लायक पाए, किसी से कम नहीं। तो तुम भी हिम्मत करो और साबित कर दो सब पे कि तुम किसी से कमतर नहीं हो। इसके लिए बहुत जरूरी है कि तुम हिम्मत करो, ठीक है? रूटीन के अपने काम करो, अपने ऑफिस जाओ, शाबाश। मैं मेरा कुछ करने का दिल ही नहीं चाहता। नहीं तो इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारे बाबा, तुम्हारा भाई, हम लोगों का प्यार, हम लोगों की कोई हैसियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। नहीं अम्मी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बस तो फिर तुम्हें तो मेरी बात माननी पड़ेगी। हनु बेनी ये लो नो, मैं तुम्हारे लिए फ्रेश ऑरेंज जूस लेके आई हूँ और ये पूरा फिनिश करना है। हाँ आंटी आपने बहुत अच्छा किया कि नोफिल को वॉक के लिए ले गई, वॉक इसकी सेहत के लिए अच्छी है। ये बच्चा मेरे बेटे ने कहा है कि अब ये मेरी हर बात मानने का, देखना है अभी देखो। चलो ये पियो, शाबाश। पर अम्मी मुझे दादी से भी मिलना। हाँ हाँ मिल लेना, जरूर मिल लेना, पहले ये पियो, वैसे तुम्हारी दादी भी तुम्हें याद करे। चलते हैं। रोशना हेलो, शुक्र है तुम्हें माँ की याद तो आई। क्या बाहर? अरे मुझे बता तो देती आने से पहले तुम। अच्छा चलो मैं आ रही।